नमस्कार, मैं हूं सपना राजौरिया और आप देख रहे हैं UP24 News। UP24 News की संवाददाता दीक्षा कोसरेज ने वार्ड नंबर 10 में जाकर वहां की जनता की समस्याओं को जाना। वार्ड नंबर 10 के लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहां की महिलाओं ने बताया कि किस तरह से गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वार्ड नंबर 10 की गली नंबर 6। इस गली की सड़क इतनी खराब है कि लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जो मकान हैं वह बहुत नीचे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने खुद सीढ़ी से नीचे उतरकर उन लोगों की समस्याओं को जाना। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता आपको वोट क्यों दे। हम फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 10 के संतोष नगर में मौजूद हैं, जहां जनता किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। जहां लोग इस गड्ढे में, जो घर नहीं एक तरीके से गड्ढा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां लोग रह रहे हैं। सीढ़ियां नहीं, या नसैनी का यूज कर रहे हैं। जो लोग यहां पे गिरने का भी डर रह सकता है, जो हम यहां हमारे लिए छत है उससे नीचे उनका गड्ढे जैसे घर है, वहां रह रहे हैं। आइए, हम यहां जनता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सीता देवी। आपको यहाँ किस तरीके की समस्याएं महसूस है, या किस तरीके की समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि ये सही होनी चाहिए? अपने पार्षद से आपको उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप? किस तरीके की समस्या चाहते हैं? जो गड्ढों में रह रहे, इतनी परेशानियां उठा रहे हैं। गली में नेक भी समस्या कितनी खराब हो रही है, गली नहीं बन रही है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी गली बन जाए, हमारे बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। और क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं। यहाँ जनता का कहना है कि उनको गड्ढे में रहने से उनके बच्चों को काफी परेशानियां हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं इस तरीके से। वो किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई में बहुत सारी परेशानियां। आइए, हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनु कुमार जी। अनु कुमार जी, यहाँ पे आपको किस तरीके की समस्याएं हैं? आप समस्या ये है कि यहाँ वोट मांगने आते हैं, जब तो कह जाते हैं हम गली बन जाएगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वोट पड़ गए उनके, जीत गए, फिर कोई नहीं आता झकने को। यहाँ सबरी समस्या ये है, गली में पानी भर जाता है यहाँ से वहां तक पूरे गड्ढे, किसी की छत पलट रही है, किसी की दीवार पलट रही है, कोई सुनवाई नहीं कोई। तो यहाँ पे कोई पार्षद वोट मांगने के लिए आएगा तो आप क्या उनको वोट देंगे? हम नहीं देंगे। हम तो हर बार यही साल, हर साल देख रहे हैं, ये बात कोई जी आ गया, कोई वो हो गया, भरोसे में कब तक भरोसा करेंगे आदमी। यहाँ जनता का कहना है कि वो यहाँ पे किसी पार्षद को वोट देने के बाद वो अपने वादे करते हैं वोट देने से पहले, फिर उसके बाद अपने वादों से पीछे हट जाते हैं। यहाँ लोग उन लोगों को वोट देने के लिए भी मना कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को परेशानियां होते हुए भी फिर वो मना कर रहे हैं कि हम यहाँ वोट नहीं देंगे किसी को भी। आइए, हम यहाँ और लोगों से बात करते हैं जो अपनी समस्याएं। जी, आपका नाम? सुधा देवी है। आपको यहाँ किस तरीके की समस्याएं? हम ये समस्या हमको है यहाँ ये गड्ढा। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा सही होना चाहिए? सही जो हो जाए, खरंजा सही हो जाए, सड़क जो सही हो जाए, तो बाल बच्चों को, अपन को परेशानी। मेरे तो घुटनों में पीर, हम तो बैसू नहीं चल पाते हैं। यहाँ और भी महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस वार्ड में किस तरीके की समस्याएं हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? भानुमती। आपको यहाँ समस्या है? हमारे सामने गड्ढा डर हो, हम कल गिर पड़े, हमारे माँ तो कल फटुआ मूड मारो सबरो टाके आए हैं, हमारी जांग सूजी रखी सबरी आगे, इतना गड्ढा है देखो आगे सबने। तो आप यहाँ पे जो पार्षद यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप क्या उनको वोट देंगे? हम नहीं वोट देंगे, वोट देख का करें, हाथ में टूटे सब रख के वोट देख का करें हम। तो मतलब वो अपने वादे करते हैं वोट मांगने से पहले, वो अपने वादे पूरे नहीं करते? कोई ना कत को ना आए के वोट में घुस गया था, बाद में जगता हूँ ना आए के जम पे, मतलब वो वोट लेने के बाद यहाँ से अपने वादे कोई ना नहीं करते। देखिए का है रहो, का ना है रहो। वार्ड नंबर 10 में देखने को मिला कि यहाँ गंदगी से भी बहुत लोग परेशान है। गंदगी होने के कारण लोगों को काफी बीमारियां हो रही है। आइए, हम यहाँ कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? शांति देवी। यहाँ गंदगी से आपको कितनी परेशानियां हो रही है? परेशानी है बिल्कुल, घर के पास ही जी समझ ले, देखो बाम टट्टी पेशाब सब बाम डालते हैं, घर ही में बदबू आती है, मच्छर खाते हैं, बहुत परेशान है। बाई में सब कुछ होता है बिल्कुल, प्लॉट के सारे पूरे मोहल्ला की टट्टी बाम करती है, परेशानी। यहाँ और भी जनता मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके की समस्याएं हैं। आपका नाम? नीरज जी। नीरज जी, आपको यहाँ पे किस तरीके की समस्याएं?
समस्या ये है कि बरसात होती है तो पानी भर जाता है घरों में, तो निकलने में और दिक्कत होती है, और नाली वगैरह नहीं है तो वो भी गंदगी प्लॉटों में रहती है, इस वजह से मच्छर वगैरह बीमारी कई समस्या, और ये गली नहीं बनी है इस वजह से गलियों में भी पानी रहता है नाली का, और भी कई समस्याएं है, गटर वगैरह बने इनका भी कहीं भी गड्ढा खुद जाता है, मगर दोबारा कभी इसका हुआ नहीं है दोबारा सुधार। यहाँ बात करने के बाद पता चला कि यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ नाली का बनना जरूरी है जिससे यहाँ गंदगी का कम फैले, और यहाँ पे गटर आप देख रहे हैं कि गटर का भी यूज है, पर यहाँ पे कुछ भी चीज बहुत सही तरीके से नहीं है, यहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा परेशान है गंदगी से, यहाँ पे गड्ढों में बने घरों से, जिससे वो अपनी जिंदगी को काटने के लिए गुजारने के लिए बहुत परेशान है। इस वार्ड में आके हमें ये देखने को मिला कि यहाँ की जनता किसी भी चीज से खुश नहीं है, और उनका कहना है कि वो यहाँ पे जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा वो किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। आइए हमें इजाजत दीजिए, हम किसी और वार्ड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।